Twinkies, Angelican. We are back with monthly readings for February 2020. जैसे हम as usual करते हैं, तीन tarot cards और एक angel message. हम similar pattern follow कर रहे हैं. तीन tarot cards और एक angel message. इस महीने जो deck मैं use कर रही हूँ, वो है soul's journey. It's about growth. It's about कि क्या चीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या हमारी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है एट दिस पॉइंट. तो उस पे अटेंशन देंगे तो हमारी ग्रोथ यू नो सॉर्ट ऑफ हम आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे. यस, बिफोर वी मूव टू द रीडिंग्स आई वुड लाइक टू गिव अ क्विक अपडेट. इट्स अ क्विक अनाउंसमेंट. मैं ये महीने पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ. तो देर माइट बी डीलेज इन रिस्पॉन्डिंग बैक टू सर्टन ई मेल्स. अगर आपको अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करानी है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, आप मार्च में अपॉइंटमेंट ले सकते हो. आई विल बी बैक विथ पर्सनल रीडिंग्स. येस, वीडियोज ऑन यूट्यूब कंसिस्टेंट रहेंगे और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट बहुत सारे कंसिस्टेंट रहेंगे. तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कीजिए. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. और जिन लोगों ने भी ये ब्रेसलेट्स ऑर्डर करे हैं फेब्रुअरी में, यस, वी आर स्टिल टेकिंग ऑर्डर्स. इट्स बैक इन स्टॉक. आप डीएम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. ये डेफिनेटली माय टीम विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. एंड या नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद द रीडिंग. टॉरस मैंने आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट करा है. देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. बिफोर आई टॉक अबाउट ईच कार्ड, मुझे बताना है कि ये स्प्रेड आपका बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल आया हुआ है ये महीने. आई फील योर एनर्जीज आर रियली डूइंग ग्रेट दिस मंथ. अगर आपको कुछ न्यू बिगनिंग्स करनी है, कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, कुछ न्यू आइडिया है, आई वुड से ये महीना आप डेफिनेटली वो शुभ काम करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज डेफिनेटली वो चीज़ को फेवर कर रही है. जो पहला कार्ड है वो है लवर्स. वेरी ब्यूटिफुल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कार्ड दैट यू कैन सी हियर. ये कार्ड हमें ये बताता है कहीं ना कहीं यू नो ये महीने आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो किसी के टूवर्ड्स. यू नो आपको ऐसे लग रहा है कि दैट पर्सन इज योर सोलमेट. यू नो यू फाउंड द पर्सन एंड यू फील द बॉन्ड, यू फील द कनेक्शन. अगर आप रिलेशनशिप में हो और यू नो बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आई सी दैट स्पार्क कमिंग ऑल ओवर अगेन इन टू योर लाइफ. वो जो स्पार्क है, वो जो लव है, वो डेफिनेटली ये महीने रिफ्लेक्ट कर रहा है. समवेयर आई वुड से टेक अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मेक द पर्सन फील इवन मोर स्पेशल. ये महीने कुछ कीजिए अपने लव वन के लिए, उनको स्पेशल फील कराइए. प्लान अ ट्रैवल, रैंडम डिनर डेट्स, लंच डेट्स, समथिंग, बिकॉज इट्स ओनली एनहेंसिंग द लव इनसाइड. अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड. ये भी बहुत ही सुंदर स्ट्रॉन्ग कार्ड है. ये कार्ड बोल रहा है यू नो दिस मंथ आपको बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट होगी, यानी कि जो आप कर रहे हो ना उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे. जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आपकी एनर्जीज बहुत हाई दिख रही है इस महीने, तो ये कार्ड हमें यही बताता है कि ओवरऑल ये महीना है मोर हार्डवर्क. बिकॉज जितना आप हार्डवर्क लगा रहे हो उतनी रिजल्ट आपको मिल रही है. हर एक चीज़ को प्रॉपरली प्लान कीजिए. कहीं भी कैसे कहते हैं अंधाधुनी काम नहीं करना है, हर एक चीज़ प्लान के अकॉर्डिंगली ही करनी है और वो प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएगी. सो समवेयर इट्स द मंथ वेयर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना है, अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है. मेरे हिसाब से ये एक बैलेंस आया है. जो पहला कार्ड है वो आपके रिलेशनशिप, आपके लव, आपके ओवरऑल, दिस इज़ योर प्रोफेशन, यू नो सारी चीज़ें की वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. और जो थर्ड कार्ड है इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर एनर्जीज, इट्स अबाउट योर कनेक्शन विथ योर ओन सेल्फ. तो हर एक चीज़ मुझे लग रहा है ये महीने बहुत ही बैलेंस्ड जाएगी. कोई भी एरिया, कोई भी एस्पेक्ट वो इतना खाली नहीं रहेगा इस महीने. मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप ऑल ओवर अगेन स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा कनेक्टेड दिख रहे हो. आपको एक जो बोलते ना जरिया, जो मन की शांति का रास्ता जो आप ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे बहुत टाइम से, वो रास्ता आपको यहीं से दिख रहा है. वो आपको दिख रहा है कि यू नो सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है. बहुत ही अच्छा महीना है, आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है. मैं बहुत रिपीट कर रही हूँ ये स्टेटमेंट, बट इट्स जस्ट टेलिंग मी कि यार जो काम आपने सोचा हुआ है ना वो ये महीने ही करना है. आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है. आप कहीं बारी कुछ अगर बाहर खोज रहे हो तो अपने अंदर से वो क्वेश्चंस पूछिए, वो आंसर्स आपके अंदर से ही आएंगे. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया हुआ है. और जो एंजल मैसेज आया हुआ है आपके लिए वो है अबंडेंस. ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है सारी चीज़ें यू नो आपके क्लोज आ रही है. जस्ट आप ओपन आर्म्स कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, रिसीविंग एंड पे रुकिए. जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स है, आई फील इट्स द टाइम टू मैनिफेस्ट ऑल दैट यू वांट. यू आर डूइंग रियली रियली गुड विथ योर एनर्जीज. आई होप यू हैव अ ग्रेट मंथ देयर एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर लॉट्स मोर. थैंक यू.